त्योहारों के सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संदेश दिया है। ये बात उन्होंने 97 बार आयोजित किए गए मन की बात कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कही। भिवानी वासियों ने इकट्ठे होकर रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुना और पीएम द्वारा दिए गए समाज उपयोगी बातों को जीवन में अपनाने की बात कही। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, इस महीने दीपावली का आगमन है, साथ ही बेटियों को लक्ष्मी के रूप में मानना चाहिए और बेटियों के मान सम्मान के लिए उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। जो बेटियां किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करती हैं, ऐसी बेटियों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि मातृशक्ति आगे बढ़ सके। मैं ये सभी से निवेदन करूंगा, जिन भाइयों के पास भगवान ने जिनको सामर्थ्य दिया है कि भाई आप त्योहार के सीजन में आपके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त चीजें हैं, अगर आपको कोई जरूरतमंद ऐसा दिखाई देगी और आपके अंदर से आवाज आएगी भी इस भाई की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आगे बढ़ के आए और जरूर उनकी मदद करें। मन की बात है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो की जा रही थी उसे सुन रहा था, तो मैं एक जो बहुत अच्छी बात ये लगी कि जो आने वाली दिवाली को हम कहते हैं कि लक्ष्मी का त्यौहार है, उनको लेकर उन्होंने एक बात की कि जिस तरह से हम लक्ष्मी जो हमारी बेटियाँ उनको लक्ष्मी मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेटियों का, बहुओं का और माताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एक बात और कही कि जो भी हमारे आसपास की बेटियां हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए, और उन्होंने शेयर करने का एक माध्यम और जोड़ा कि जो हैशटैग करते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पर इनकी उपलब्धियाँ वो हैशटैग भारत की लक्ष्मी करके भेजें और उन्हें शेयर करें। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद भिवानी वासी का कहना है कि उन्होंने आज ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना है, जिसमें प्रधानमंत्री युवाओं से नशे से दूर रहने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ई सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि तंबाकू के सेवन से भी अधिक निकोटिन ई सिगरेट के माध्यम से लिया जाता था और बहुत से युवा नशे के आदि हो जाते थे। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इस तरह का बढ़िया प्रोग्राम पिछले प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री ने वजीर में संसार में ही नहीं चला रखा, जो ये कहता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, 1 अरब और 30 करोड़ जितने भी हैं उनके दिल में ये बसा हुआ है, इतना बढ़िया आदमी है। उन्होंने जन्मदिन की मुबारकबाद लता मंगेशकर को दी, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता अभियान शुरू कराया है 2 अक्टूबर के लिए, ये जो है ना जहर फैला रहे हैं लोग, इनके लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मन की बात को मैंने सुना और उन्होंने युवाओं से, खासकर युवाओं से अपील की कि भाई धूम्रपान को छोड़े, खासकर ई सिगरेट को। ई सिगरेट के प्रति उन्होंने कहा भी लोगों को, युवाओं की धारणा है कि भाई इसमें ज़्यादा निकोटिन नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा निकोटिन इसी में होता है, क्योंकि इसमें निकोटिन का अरक डाला जाता है, उसको केमिकल डाला जाता है जो सेहत के लिए सबसे हानिकारक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गायक लता मंगेशकर को उनके जन्मदिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपील की कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करें। वहीं उन्होंने प्लास्टिक के यूज को कम कर थैले के प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील की है। भिवानी से टोटल न्यूज के लिए इंद्रेश दुहन की रिपोर्ट।